फ्रेंड्स, वेलकम टू आकांक्षा किचन एंड लाइफस्टाइल। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आकांक्षा। जलेबी हम सबको बहुत पसंद होती है, लेकिन जब जलेबी बनाने का टाइम आता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए आज हम जलेबी कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, जिन्हें हम इंस्टेंट जलेबी कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप मैदा, ये 125 ग्राम लगभग है, 4 टेबल स्पून उड़द दाल, शुगर चाशनी के लिए 1 कप, ये कर्ड है, ये थोड़ा सा लिया है मैंने, थोड़ा सा मैंने घी लिया है, और फूड कलर ऑप्शनल है, आप कोई भी कलर का फूड कलर ले सकते हैं, येलो या ऑरेंज, और ये इनो सॉल्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये उड़द दाल ली है, इसको हम फाइन पाउडर बना लेंगे, इसको अच्छे से ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उड़द दाल को हमने अच्छे से ग्राइंडर में पीस लिया है, ये उड़द दाल को हमने अच्छे से छान लिया है, और ये फाइन पाउडर हमें मिल गया है, जिसे हम इसे पाइपिंग बैग में जब भरेंगे तो कोई भी क्रिस्टल टाइप का नहीं आएगा। नेक्स्ट हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें ये मैदा डालेंगे, इसमें ये उड़द दाल पाउडर डालेंगे। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इसको जरूर यूज कीजिए अगर आपको अच्छी जलेबी या क्रिस्पी बनानी है। नेक्स्ट हम इसमें दही डालेंगे थोड़ा सा, और ये देसी घी, ये हम घी यूज करेंगे, इसकी जगह आप ऑयल मत यूज कीजिएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा, इसको मोइन या शॉर्टनिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमें इसको तब तक मिक्स करना है जब तक हम इसको ऐसे दबाएंगे और ये एक शेप ना ले ले, शेप में हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम चाशनी की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने 1/2 कप वाटर लिया है और 1 कप शुगर लिया है, और इसको अच्छा बॉयल आने तक बॉयल करेंगे। ये चाशनी हमें 1 थ्रेड कंसिस्टेंसी की चाहिए, ऑयल आने देंगे और उसके बाद इसको गाढ़ा करेंगे, और इसमें थोड़ा फ्लेवर को अच्छा करने के लिए और कलर लाने के लिए हम थोड़ा सा सैफ्रन डालेंगे और कार्डमम पाउडर भी डाल सकते हैं। चाशनी में बॉयल आ गया है, नेक्स्ट हम इसमें फूड कलर डालेंगे और अच्छे से इसे थिक करेंगे। इसमें इनो पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसको आप प्रिजर्व करके भी 10 डेज के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इंस्टेंट पाउडर की तरह यूज कर सकते हैं। हम इसका बैटर बनाएंगे, पानी बहुत थिन और थिक नहीं होना चाहिए, मीडियम बैटर होना चाहिए, पानी को बहुत ध्यान से ऐड करेंगे। और तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसमें कोई लम्स ना रहे। जब तक हम बैटर रेडी करेंगे तब तक हम एक पैन में ऑयल गर्म होने रख देंगे, आप देसी भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। रेडी हो गई है, ये 1 थ्रेड कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, इसके लिए हम इसे ऐसे एक बाउल में डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ये 1 थ्रेड आ रहा है स्टेप से। हम कोई भी जलेबी मेकर ले सकते हैं, इस तरह का पाइप एंड बैग टाइप का, या ये प्लास्टिक में जो अवेलेबल है कोई भी आप यूज कर सकते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास मसलिन क्लॉथ्स है, जो जलेबी वाला कपड़ा होता है अगर, तो वो बेस्ट है। गोल गोल जलेबियां बनाएंगे, आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। ये देखिए गोल गोल जलेबियां तैयार है। ऑयल को हम मीडियम हॉट रखेंगे, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये ब्राउन हो गई है, क्रिस्प ब्राउन हो गई है, हम इनको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। जलेबियाँ हमारी सिक गई हैं, अब इनको हम डायरेक्टली
चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमारी ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और ज्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। चाशनी के अंदर इनको इस तरह से करना है, डिप हो जाए अच्छे से चाशनी में। मिक्स भी इसी तरह करेंगे। गर्मा गर्म जलेबी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।